ब्राइड इज वेरी प्रीटी, तो जानिए कैसे मैंने इस इंडियन ब्राइड का मेकअप किया है। सबसे पहले मैंने मिस्ट अप्लाई किया है, विंटर का वेकेशन है, विंटर का टाइम है, तो हम मिस्ट टोनर अप्लाई ना करके मिस्ट अप्लाई करते हैं ब्राइडल के, या हम खुद भी सेल्फ स्किन की जब केयर करते हैं। फिर मैंने एल जेंजियो का रोज गोल्ड ऑयल अप्लाई किया है, ये भी ऑल स्किन टाइप है, तो ये ब्राइड का फेस है, इसका फेस जो है नॉर्मल तो ड्राई स्किन में जाता है, इसीलिए मैंने इसी से ही पैप कर दिया है स्किन को। अब मैं यहाँ पे मैक की स्ट्रोक क्रीम अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि ये एक बेहतरीन तरीका है जब हम ग्लोसी मेकअप, विंटर में हम मैट फिनिश मेकअप नहीं देते हैं, हमें ग्लोसी मेकअप ही देना चाहिए, क्योंकि विंटर ऑलरेडी बहुत ही ड्राई स्किन को कर देता है। अब यहाँ पे एले गर्ल का कंसीलर लिया है, जो कि वन शेड ही डार्कर है। वन शेड डार्कर क्यों? क्योंकि इसकी स्किन पे बहुत ही लाइट करेक्शन करना है, जो पिगमेंटेशन है वो बहुत ही लाइट है, इसीलिए वन शेड डार्कर से ही करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में मैं का कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, NC35। ये स्किन टोन पे बिल्कुल ही एग्जैक्ट इसके स्किन टोन सा ही स्किन टोन का है। अब इसे मैं ऑल ओवर ब्रश से अप्लाई कर दूँगी। हमें जो है ब्राइडल को बहुत अच्छी ही कवरेज देनी चाहिए, इसीलिए पहले मैं कंसील कर देती हूँ ऑल ओवर फेस पे इसकी स्किन शेड के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैं ब्रश का यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज ब्रश जो होता है वो कवरेज अच्छी देता है एज ए ब्लेंडर। ब्लेंडर जो है नेचुरल फिनिश की कवरेज देता है। अब यहाँ पे हुड्डा का अमृति शेड, एले गर्ल का मैं फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ, HD फाउंडेशन, और फॉरएवर 52 का भी फाउंडेशन लिया है मैंने। इसको मैं एग्जैक्ट इसी की स्किन टोन से ही मैच करके मैंने बनाया है, ताकि कवरेज मैं और दे सकूँ। यहाँ पे कवरेज का अगर मैं देखूँ तो प्रोडक्ट में बहुत ही लेस थोड़ा थोड़ा ही अप्लाई कर रही हूँ, इसीलिए मैंने एक शेड और मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया, ताकि कवरेज अच्छी आए। हमें हमेशा कवरेज जब भी करनी चाहिए, हमें धीरे धीरे ही बिल्ड करनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं अपना डैम ब्यूटी ब्लेंडर ही यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज कवरेज मुझे बहुत ही अच्छी मिल गई है, और अब इसको ब्यूटी ब्लेंडर से मैं ब्लेंड कर देती हूँ अच्छी तरह। नेक को नहीं भूलना है, नेक पे भी हमें ज़रूर अप्लाई करना है। कॉन्टोर लिक्विड कर रही हूँ, हुड्डा का ये कॉन्टोर लिक्विड फाउंडेशन है, कंसीलर है सॉरी, इसी को अप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे फॉरएवर 52 का भी हाईलाइट बेस्ट है एज ए ब्राइडल। अब पहले हम जो लाइट शेड है उसको ब्लेंड कर देते हैं अच्छी तरह। हमें जब भी ब्लेंडिंग करनी होती है इस तरह की, तो हम लाइट टू डार्क पे ही जाते हैं। आफ्टर दैट वी आर ब्लेंड डार्कर शेड, यानी कि कंट्रोल जो मैंने किया है उस एरिया को मैं कंट्रोल करूँगी। अब डैम ब्यूटी ब्लेंडर से करके मैं एक साइड मैंने इसी ब्रश डैम ब्यूटी ब्लेंडर से किया, दूसरी साइड से हम डार्कर शेड को मैं ब्लेंड कर रही हूँ, लेकिन दूसरी शेड साइड से, यानी कि जहाँ से मैंने लाइट किया है वहाँ से नहीं करूँगी, बिकॉज ये जो हमारा कॉन्टोर कलर है उसे बहुत ही लाइट कर सकता है। अच्छी तरह ब्लेंडिंग करनी है, ब्लेंडिंग हमारे बेस को बहुत अच्छा सेट करती है, तो ब्लेंडिंग होने से ही बेस बहुत ग्लोसी भी होता है। अब यहाँ पे मैंने लिप टिंट लिया है, थोड़ा सा रेडिश कलर है, क्योंकि जो लहंगे का कलर है वो भी रेडिश में है, इसे भी हम ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड कर देते हैं अपसाइड करते हुए। पाउडर से सेट कर रही हूँ, ट्रांसलूशन पाउडर है, पहले जो भी क्रीज एरिया होता है उससे हम सेट करेंगे मेकअप को। आईज के नीचे जब भी करेंगे तो क्लाइंट को कहेंगे कि वो अपनी आईज को ऊपर रखे। नाउ आई एम ए मैजिक ट्रिक, जो कि मैजिक ट्रिक है स्टिपलिंग करना। जब भी हमें अपने बेस को फिनिश देना है उसके बाद स्टिपलिंग करना बहुत ज़रूरी है, ये आपके बेस को बहुत ही मैजिकली फिनिश देता है। अब यहाँ पे कॉन्टोर कर रही हूँ, कॉन्टोर थोड़ा सा मैं सी सेक्शन में कर रही हूँ, क्योंकि इनकी जो चीक्स हैं वो फ्लैट हैं,
हमें चीज बोन्स पे करना है और नोज पे ही जरूरी है और थोड़ा सा फोरहेड पे ही जरूरी है। ब्लशर अप्लाई कर रही हूँ। ब्लशर जैसा कि पता ही है एक कलरिंग का काम करता है फेस पर। मैक्स से फिनिश कर देते, फिक्सिंग कर देते हैं ताकि बेस में अच्छा सेट हो जाए। आईज पे मैंने फॉरएवर 52 का कंसीलर अप्लाई किया है। आईज से जो हम मेकअप कर रहे हैं वो थोड़ा सा हेलो आईज कर रहे हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आईज पे आईज के नीचे ट्रांसल्यूशन पाउडर लगाया है कि अगर कोई प्रोडक्ट एक्सेस प्रोडक्ट फॉल आउट होता है तो वो आईज बेस पर चिपके ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा ब्राउन शेड, क्योंकि रेड कलर का लेंगे तो ब्राउन शेड बहुत अच्छे से जाएगा, तो पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा मीडियम शेड का ब्राउन शेड लेती हूँ और उसे आउटर ऑफ आईज यानी कि दोनों आईज के आउटर एरिया, आउटर और इनर एरिया पे अप्लाई करूँगी। हमें जब भी आईज या को डार्कर शेड देना है तो हमें धीरे धीरे देना है, यानी कि अब मैं जो आईज में थोड़ा सा और डार्क कर रही हूँ, यानी कि थोड़ा सा हल्का सा ब्लैक और ब्राउन मिक्स करकर उसे डार्क कर देते हैं। सिर्फ आउटर एरिया पे ही डार्कर अप्लाई करेंगे, बीच में हम थोड़ा सा जो भी है लाइटर शेड अप्लाई करेंगे या शिमरी शेड। क्रीज पे अप्लाई करना है ताकि एक डेप्थ जो क्रीज लाइन हमें शो हो। इसी कलर को ही मैं अप्लाई कर रही हूँ। शिमर शेड लिया है मैंने, कोपर शेड का है ये, उसी सिर्फ हम मिडल एरिया पे ही आईज की अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा मैंने यहाँ ग्लिटर ग्लू लिया है फॉरएवर का और उसके बाद मैंने पल्स शेड में ग्लिटर अप्लाई किया ताकि थोड़ा सा शाइनर और आए। आईलाइनर लगाएंगे विंग देते हुए, आईज को थोड़ा सा और बड़ा बनाने के लिए हम विंग शेप देते हैं। आईलाइनर जब भी हम अप्लाई करते हैं पहले हम पीछे से विंग्स अप्लाई करेंगे, विंग्स देनी है तो विंग्स करा के फिर पीछे से आगे की तरफ आएंगे। आईलैश अप्लाई कर रही हूँ। आईलैशेस भी फॉरएवर 52 की है, उसी की साइट से ही मैंने बाय करी थी। आईलैशेस बहुत अच्छी हैं। वाटर लाइन पे ब्राउन सॉरी काजल अप्लाई कर रही हूँ। फिर मैं नीचे वाटर लाइन से नीचे लोअर लैश लाइन पर ब्राउन शेड से उसे स्मज कर दूंगी। स्मजिंग हम डार्कर से करते हैं ब्लैक कलर को, फिर उसी ब्राउन कलर को मैं लाइट ब्राउन कलर से ब्लेंड करूंगी। अब यहाँ पे ब्राउन पेंसिल ली है, उससे पहले लिप शेप देंगे और उसमें मैं लिप शेड ब्राउन शेड में ही थोड़ा रेडिश ब्राउन कलर है उससे मैं इसे फिल कर दूंगी। हाइलाइटर मैक का हाइलाइटर है, जो भी हाइलाइट पॉइंट है इन्हीं पे ही अप्लाई करेंगे। आफ्टर अप्लाई हमारा फेस कितना अच्छा ग्लोसियर है। आईब्रो हाईबोन एरिया पे, इनर एरिया, क्यूपिड एरिया, चीक्स बोन एरिया और नेक पे भी हमें हाइलाइटर अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पे हमारी ब्राइड का मेकअप कंप्लीट हो गया है। अब हम ज्वेलरी वेयर कर रहे हैं इनका, उसके बाद देखना हमारी ब्राइडल का लुक कैसा आया है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा ब्राइडल का लुक। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और मेरे चैनल को और ऐसी ही वीडियो के लिए देखने के लिए सब्सक्राइब करना।